Today is a very special Chef versus Fridge Masterclass brought to you by Hire. I'm going to be making a desi videsi lamb. और लैम चॉप्स के साथ आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ फैंटास्टिक रेड वाइन पेपर सॉस विद दैट आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ ब्यूटीफुल मार्केट सैलेड सो एज यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग इन दिस किचन देयर आर टू मेनी स्मार्ट पीपल इन दिस किचन टू आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हमारा सीरियल चिलर हायर का स्मार्ट फ्रिज विच इज जस्ट अमेजिंग और जब हायर का फ्रिज इज विथ मी इन द किचन यू नो वॉट एवरीथिंग इज जस्ट फैंटास्टिक नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिंग नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग इतने इंग्रीडियंट्स आपके फ्रेश कैसे रहेंगे नाउ दैट्स अ वेरी ट्रू थिंग बिकॉज रेसिपी इज वन थिंग लेकिन उसका स्वाद जब आएगा जब इंग्रीडियंट्स की क्वालिटी बेहतर रहती है नाउ दैट्स द रीजन व्हाई द एंटी बैक्टीरियल फीचर इन द हायर फ्रिज टेक्स केयर ऑफ ऑल द इंग्रीडियंट्स इट एक्चुअली सेंसेस इट वेदर इट्स एक्चुअली देयर और इट्स स्पॉइल्ड सो लिटरली द फ्रिज विल टेल यू इफ द टेम्परेचर इज रॉन्ग एंड यू कैनॉट यूज दैट एज यू नो लैम को आप ज्यादा मैरिनेट करोगे तो उसका जो स्वाद है जो फ्लेवर है इज जस्ट फैंटास्टिक गरम मसाला अदरक और लहसुन की पेस्ट एंड ऑलिव ऑयल अगर आपको चाहिए व्हाट गोज वेरी वेल विद दिस एंड इफ यू लाइक द फ्लेवर मस्टर्ड ऑयल गोज रियली वेल विद दिस डिश एंड रिमेंबर वंस यू मैरिनेट मीट इट्स बेटर यू एक्चुअली कीप इट इन द फ्रिज तो अभी हम इसे अंदर रख देते हैं सो लेट्स गेट आवर गुडीज फॉर आवर सैलेड आई हैव सम वेरी नाइस रॉकेट लीव्स बट आप चाहो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ लेटस जब मैं लेटस यूज करता हूँ सैलेड बनाता हूँ कभी कभी उसमें पालक डालता हूँ थोड़ी सी मेथी डालता हूँ थोड़ी सी हर्ब्स डालता हूँ यानी कि पुदीना सो यू कैन गेट एज क्रिएटिव एज यू वॉन्ट विद योर सैलड्स द आइडिया इज दैट इट हैज टू बी टेस्टी एंड स्टोर्ड करेक्टली दिस सैलड इज एक्चुअली कॉल्ड अ कैरेट एंड रेजन सैलड सो वी गोना बी कटिंग दीज इन टू थिन स्ट्रिप्स थोड़े से हरे प्याज भी डालेंगे इसमें आई लव यूजिंग द ग्रीन ऑफ द स्प्रिंग अनियन एज वेल आई ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट वन सीजनल फ्रूट इन माई सैलेड सो नाउ इट्स टाइम ये थोड़ा हमारे सैलेड को थोड़ा चिल आउट कर देते हैं नाउ थैंक्स टू हायर एंड इट्स ट्रिपल कूलिंग सिस्टम यानी कि तीन फैंस है इसमें which will cool everything beautifully and you will get the best freezing results from this. I've just got the lamb chops out. A punch it may we are going to cook it. When you are cooking meat, you have to make sure that it's not overcooked. Now you've got a beautiful color happening on this. This is exactly what I'm looking for. So hum lamb ko 3 to 4 minutes on each side pakayenge aur phir main use rest karne dunga. So, हमारी लैम तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है चलो अभी बनाते हैं इसमें मेरा रेड वाइन पेपर सॉस पहले हम डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए प्याज कशुंडी मस्टर्ड क्रैक ब्लैक पेपर और उसके बाद अभी हम डालेंगे थोड़ी सी रेड वाइन रिमेंबर व्हेन यू आर कुकिंग विद वाइन यू हैव टू एक्चुअली वो वाइन को है उसको पकाना चाहिए हमें जो उसका एल्कोहल जो है वो चला जाता है And what you're left here is with a beautiful red wine flavor, which is just perfect for my lamb. Jo hamara cereal chiller hai, ye bada genius hai. It works on a Wi-Fi program. I can store my food and also keep a good eye on the temperatures, even if I'm not at home. And guess what? Bina khole hi, I can actually check what's inside the fridge. Yes, you're right. It has a camera too. Now remember one thing. Salads can be made in advance. Dressings bhi hai, it can be made in advance. Lekin jab most important cheez hai ke when you are ready to eat, bas usi waqt aap jo dressing hai, wo salad ke saath aap mix karoge. So we have our lovely lamb chops here. We can also add our salad right here on the plate. So I'm going to be putting my sauce on the side. Let's garnish these also with a few sprouts. So we have this beautiful dish with lamb and salad.
So I hope you really enjoyed this special Chef vs. Fridge Masterclass.